दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 पानी क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन जिन लोगों का हालत वही है, इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पर 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर नल से टूट से पानी लाऊंगा। कहा है कौन से पाइप, कौन से नल, झूठ बोलते हैं। हरियाणा का सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं साबित करके कह सकता हूँ, ये जाए कोर्ट में। टैंकर माफिया का भी बड़ा, अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहा है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है।